जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। आज हम एन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों के जनवरी से लेकर जुलाई तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वाले लोगों के 7 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोग जो होते हैं, इनके मन की बातों को जानना बहुत कठिन होता है। इनके मन की बातों को जल्दी नहीं समझ सकते आप। काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले लोग होते हैं। इनको जब क्रोध आता है तो ज़्यादा आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी इनको कई बार गुस्सा आ जाता है और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी देखने को मिल जाती है। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं और ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने कभी जाहिर नहीं करते। अपने रहस्यों को छिपाने में बहुत माहिर होते हैं। स्वभाव थोड़ा खोजबीन वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। इन लोगों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है। काफ़ी आकर्षक होते हैं, रौबदार भी होते हैं, वफादार और भरोसेमंद साथी होते हैं जो कभी भी अपने परिवार या मित्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। लेकिन चालाकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये लोग लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखते हैं और उनसे भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं। ईमानदार और सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं। उन लोगों से नफरत करते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं या इनको गुमराह करते हैं। बहुत ऊर्जावान और भावुक व्यक्ति होते हैं। ये लोग दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते, अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते और अगर एक बार क्रोधित हो गए तो आसानी से माफ नहीं करने वाले होते हैं। अपने कार्य में, अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये लोग प्रत्येक कार्य में अपना नफा नुकसान भी देखते हैं। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाने वाले होते हैं। प्रेम संबंध में अपने प्रेम का इजहार करने में काफी समय भी लगाते हैं। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल में सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा की बात तो शिक्षा के मामले में आपको इन 7 महीनों में अपनी एकाग्रता बनाकर बहुत रखनी होगी। आप देखेंगे बार बार एकाग्रता भंग होती रहेगी। आप अपना समय मौज मस्ती में भी खराब कर सकते हैं, मित्रों के साथ समय खराब कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो शिक्षा के मामले में अगर एकाग्रता बनाकर रखते हैं और अपना समय खराब नहीं करते हैं तो शिक्षा में फिर आप अच्छा कर पाएंगे इन 7 महीनों में। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। आप अपने कारोबार को विस्तार करने से पहले सोच समझ कर करें, वरना वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी में अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। अपने सहयोगियों के साथ गलत फहमियाँ, शंकाएँ ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर विशेष चलें। और व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए इन 7 महीनों में अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो वहां सभी जगह आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे इन 7 महीनों में। धन की बात करें तो धन और आय के मामले में समय अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक है। खर्चों पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। और आय के मामले में अगर बजट बनाकर चलेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मई, जून और जुलाई धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर होगा। अप्रैल तक के समय में आपको अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हों या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हों या घर परिवार के किसी कार्य को लेकर हों, खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा ज्यादा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के मामले में आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के समय में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल अवश्य बनाकर रखना होगा, वरना प्रेम संबंधों में बार बार गलत फहमियाँ होती रहेंगी। हालांकि रोमांस भी ज़्यादा रहेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय ज़्यादा गुजारेंगे, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें, 7 महीने ऐसे होंगे जब आपके प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी जल्दी गलत फहमियाँ देखने को मिलेंगी। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय होगा वो प्रेम संबंधों के मामले में छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी और बात विवाद ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए अप्रैल तक के
समय में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें। कोई भी वाद विवाद बड़ा ना होने दें, छोटी छोटी बातों को बड़ा तो बिल्कुल भी ना होने दें। मई जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो ये तलाश आपके इन 7 महीनों में पूरी हो सकती है। वहाँ पर मई जून जुलाई ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको दिखा सकते हैं। प्रेम संबंध पहले से हैं, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता इन 7 महीनों में मिल सकती है। और वहाँ पर भी आपके लिए मई जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं, यानी अपने साथी को मना सकते हैं, अपने परिवार वालों को मना सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो अप्रैल तक का समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा, मई जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह का कोई मतभेद ज़्यादा चल रहा है और उसको सुलझाना चाहते हैं तो मई जून और जुलाई के महीने में प्रयास करें, आपका समझौता हो सकता है और वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। अप्रैल तक के समय में आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और अविवाहित लोगों के लिए भी मई जून और जुलाई का महीना ज़्यादा बेहतर है, अप्रैल तक के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में आपको इन 7 महीनों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक का समय सामान्य रहेगा, मई जून और जुलाई बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। आपकी वाणी अप्रैल तक के समय में ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक संबंध में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, खासकर घर के बड़ों के साथ में तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा, वरना वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और मई जून और जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम दिखाएगा और अप्रैल तक के समय में तालमेल बनाना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो अप्रैल तक के समय में उसको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर वो स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है तो अप्रैल तक के समय में स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और खासकर पेट से संबंधित है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। मई जून और जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा और अप्रैल तक के समय में स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। उपाय की बात करें, मंगलवार के दिन बंदरों को केला खिलाएं, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और रविवार के दिन गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, दोनों उपाय 7 महीने करें, मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो आज मैंने आपसे इन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों के जनवरी से लेकर जुलाई तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।